अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन, सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। देखते हैं आज की अहम खबर। ऑनलाइन शॉपिंग करना हो तो सच न्यूज़ की किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक कर पाइए बम्पर ऑफर्स और करिए शॉपिंग। एक 40 से 45 साल खातून को हैदराबाद के टौली चौकी फ्लाईओवर पर रनिंग ऑटो से ढकेल दिया गया। ये खातून विशाखापट्टनम की रहने वाली है और दुहेश्वरम अपने रिश्तेदारों से मिलने आई थी। बताया जा रहा है कि ऑटो में दो शख्स इस खातून के साथ सफर कर रहे थे और वो शेयरिंग ऑटो था और दोनों लोगों ने अपने चेहरे को ढाक लिया था और इस खातून के पास से जोर जबरदस्ती कर उसका सामान छीनने की कोशिश कर रहे थे। और जब ये खातून ने कहा कि वो पुलिस में कंप्लेन कर देगी तो उन दोनों लोगों ने इस खातून को चलते ऑटो से ढकेल दिया। इस खातून को गहरी चोटें आई हैं और ये दवाखाने में जेर इलाज हैं। पुलिस ने इस मामले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। तो हर सच्ची खबर पर रखने अपनी नजर, देखते रहिए सच न्यूज़। चीफ ब्यूरो शरफुद्दीन की रिपोर्ट।